रीच। अफान, मैं यहां सिर्फ अपने लिए आई हूं और कोई मकसद नहीं है मेरा। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस जिंदगी से भागकर जो थोड़ी बहुत इज्जत कमाई थी ना मैंने, वो भी मिट्टी में मिल गई है सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज एक बार फिर सबकी जुबान पर मेरा नाम है गाली की तरह, क्योंकि तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। अगर तुम्हें ये खुशफहमी है ना कि हमारे दरमियान कोई ताल्लुक है, तो समझो आज उस ताल्लुक को खत्म करने आई हूं मैं। मेरे पास जो भी बची कुछ इज्जत थी वो भी मैंने तुम्हारे कदमों में रख दी है। इतना तो बता दो, मेरा कसूर क्या है? सिर्फ तुमसे अपनी पसंदीदगी का, अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, वो भी इतने खलूस के साथ, और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? नाराजगी और नफरत। पहले नाराज थी तुमसे, लेकिन अब समझ में आ गई कि अगर तुम ना भी होते ना तो यही सब कुछ होना था मेरे साथ। क्योंकि जिसे मैंने अपनी मां कहा, उसने मेरी बर्बादी का फैसला पहले ही कर लिया था। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, सिर्फ मोहतात हूं। जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। चलो, तुमने कम से कम ये तो माना कि कुछ हो रहा है, या फिर शायद हो चुका है। तुम जानते क्या हो मेरे बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में? किसी की बीवी बन के नहीं, किसी की मिल्कियत बन के रही हूं मैं। बर्दाश्त कर लोगे इस ख्याल को? नफरत आती है मुझे अपने वजूद से। मैंने तुम्हारी रूह को देखा, मुझे उससे मोहब्बत है। वजूद का क्या है, वो तो मिट्टी में मिल जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, मैं ये जानता हूं, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानना चाहता हूं। नहीं हूं मैं अच्छी इंसान, नहीं हूं, सिर्फ एक मजाक हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे गमों का अंबार देख लिया ना तो हंस पड़ोगे, और मेरी खुशियों की मिकदार देख ली तो रो पड़ोगे। मैं अपने साथ साथ तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहती, इसलिए कह रही हूं कि मुझसे दूर रहो, कि तुम्हारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए अच्छा है। और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद तुम मेरे सामने नहीं आओगे। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी।